Hello students, welcome back once again. So I hope everybody is doing good and lectures को आप ध्यान से follow कर रहे होंगे, lectures ध्यान से देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ. So permutations when some objects are identical. तो ये हमने discuss किया था last two lectures हमारे इस पे based थे और इस पे based हमने कुछ examples भी किए थे. और मैंने आपको last lecture में बताया था कि अब हम हमारा new topic start करेंगे, that is circular permutations. लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आपको दो तीन एग्जांपल्स, थोड़े अच्छे एग्जांपल्स और हम कवर कर सकें फ्रॉम द टॉपिक परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल. है ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स जब आइडेंटिकल होते हैं तो उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.4 आपकी जो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है मैथमेटिक्स सेकेंड, तो उसकी एक्सरसाइज 3.4 से मैं कुछ सवाल आपको आज करवाने वाला हूँ. तो पहला सवाल है, How many six-digit numbers can be formed using the digit 659942? है ना? तो इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट पार्ट नहीं, पहले सिर्फ हम इसको यहाँ तक पढ़ते हैं कि छह डिजिट के आप कितने अलग अलग नंबर्स फॉर्म कर सकते हो इन छह डिजिट्स का इस्तेमाल करके. तो मुझे कॉन्सेप्ट पता है, पहले मैं देख लूंगा 1 2 3 4 5 6, मतलब सबसे पहले तो टोटल अरेंजमेंट्स इज गिवन बाय, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है, 9, कितनी बार, 2 टाइम्स. तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 30 12 जा 360 डेज. यहां 360 अलग अलग 6 डिजिट के नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं इन 6 डिजिट्स को यूज करके, है ना. अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये था कि How many of them are divisible? How many of them are divisible by 4? चलो पहले आसान कर लेते. How many of them are divisible by 5? अगर मैं ये पूछूं आपसे इन 6 डिजिट्स में से कितने डिजिट्स ऐसे होंगे, या आप 6 डिजिट के कितने नंबर ऐसे फॉर्म कर सकते हैं जो कि 5 के टेबल में डिवाइड हो जाए. अब मुझे 5 के टेबल में डिवाइड होने के लिए एक कॉन्सेप्ट पता है कि 5 के टेबल में वही नंबर डिवाइड होगा जो खत्म होगा या तो 0 पे या 5 में. क्या बोलते हो आप, है ना. 5 के टेबल में मैं बोल रहा हूँ आप कितने भी डिजिट का नंबर बनाओ, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 10 डिजिट 15 डिजिट, कितने ही डिजिट का आप नंबर बनाओ, 5 के टेबल में अगर वो डिवाइड होगा तो वो खत्म किस पे होगा, या तो 0 पे होगा या फिर 5 होगा. शुरुआत तो कैसे भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट याद रखो, 5 के टेबल में कोई भी नंबर अगर डिवाइड होना चाहता है तो उसको 0 पे या फिर 5 पे खत्म होना पड़ेगा. अच्छा, तो 659942 इसमें से मेरे पास कौन सा एकमात्र, सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है इन 6 में से, सिर्फ एक ही ऐसा डिजिट है जो कि जिसका यूज मैं कर सकता हूँ 5 के टेबल में. अगर ये नंबर आ गया, 5 नंबर खत्म हो गया, है ना, तो ये 5 के टेबल में डिवाइड हो गया. तो मैंने इस 5 को फिक्स कर दिया, ये 5 मतलब ये जो लास्ट पोजीशन थी 6 डिजिट नंबर की, जो लास्ट पोजीशन थी उसको मैंने फिक्स कर दिया. तो बाकी कितनी पोजीशन बची मेरे पास, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पोजीशन तो कितने तरीकों से भरी जा सकती है, 5 फैक्टोरियल वेज. अच्छा, अब आप ये बोलोगे कि सर आपने यहाँ 5 को फिक्स कर दिया है तो बाकी 5 में तो ये 2-9 बार रिपीट हो गए ना. नहीं नहीं, वो नहीं देखना, मैं रिपीट होने में कोई दिक्कत नहीं. देखो वो नंबर ये भी हो सकता है 9 9 6 5 9 9 6 sorry 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 से तो यहाँ हो गया, तो 9 9 6 4 2 5 या 9 9 6 2 4 5, है ना, इस तरीके से 5 पे खत्म होना चाहिए. तो कितने आप अलग अलग बना सकते हो, है ना, इसी तरीके से 6 9 6 4 2 5, है ना, ऐसे. तो कितने हो जाएंगे, कितने अलग अलग नंबर्स हो जाएंगे, वो देखिए 5 पे खत्म हो रहा है, बाकी जगह कितनी बची मेरे पास, 5
तो ये जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है, ये जगह कितने तरीकों से, इस जगह पर 5 नंबर आ सकते हैं, इस जगह पे 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो ये 5 दे, फिर इनमें से कोई एक एक बार बैठ गया तो ये 4, फिर ये 3, ये 2, ये 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, दैट इज व्हाट 23 या 60 टू द 120 वेज हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 120 नंबर ऐसे होंगे इन 659942 को यूज करके, ऐसे 6 डिजिट के 120 नंबर में फॉर्म कर सकता हूँ जो कि 5 के टेबल में डिवाइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा अच्छा नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4, है ना, 4 से कितने डिवाइड होंगे, मतलब 4 के टेबल में ये 6 डिजिट के आप कितने नंबर आप फॉर्म कर सकते हो, 6 डिजिट के आप कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो जो कि 4 के टेबल में डिवाइड हो। तो ऑलवेज रिमेंबर वन कॉन्सेप्ट, 4 के टेबल में अगर किसी नंबर को डिवाइड होना है तो उसकी जो लास्ट की दो डिजिट है, क्या बोला मैंने, 4 के टेबल में, ये देखने के लिए कि अगर कोई नंबर 4 के टेबल में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कैसे देखोगे, आपको देखनी है लास्ट की दो डिजिट्स, है ना, लास्ट की अगर दो डिजिट्स 4 के पहाड़े में आ रही है, 4 के टेबल में डिवाइड हो रही है, तो वो पूरा नंबर 4 के टेबल में डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 172, तो आपको देखना है सिर्फ 17 लास्ट के दो डिजिट, क्या 72 4 के पहाड़े में आता है, जी आता है, तो 172 भी आएगा बस। फिर मैं लिखूं मान लीजिए 2048, आपको देखना है 48 4 के टेबल में आता है क्या, जी आता है, तो ये भी होगा। फिर मैं बोलूं 41656, फिर आप देखोगे 56, क्या 56 4 के टेबल में आता है, आता है, तो ये पूरा नंबर 4 के टेबल में आएगा। फिर आप देखो 142 मतलब 104228, आप देखोगे 28 इज डिविजिबल बाय 4, तो यानी दिस एंटायर 6 डिजिट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, ना। फिर आप देखोगे अगर मान लो मैं लिखूं 205123, आप देखो 23 इज नॉट डिविजिबल, तो आप सीधा मना कर दोगे, है ना। सो आई होप समझ में आ गया होगा। तो 6 डिजिट या 5 डिजिट या 4 डिजिट या 10 डिजिट या 12 डिजिट, कितने भी डिजिट का अगर कोई बड़ा नंबर हो, हमें उसकी लास्ट की दो डिजिट्स देखनी है ये चेक करने के लिए वेदर इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। इफ द लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 देन द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल, और अगर लास्ट दो डिजिट 4 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर वो नहीं होगा। अब देखते हैं भाई 659942, अब मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे, इसमें से मेरे को देखनी पड़ेगी दो डिजिट्स ले लेकर कि कौन सी वो दो डिजिट्स बैठेंगी। जब जैसे मान लीजिए ये 6 डिजिट का नंबर है, अगर ये 6 डिजिट का नंबर 65 पे खत्म हुआ तो मेरा काम नहीं चलेगा, बिकॉज 65 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर ये नंबर 59 पे खत्म हुआ तो भी मेरा काम नहीं होगा, 99 पे खत्म हुआ तो भी नहीं होगा, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा, 94 पे अगर खत्म हुआ 94 भी नहीं आता है ना। अच्छा तो फिर क्या नहीं यार, अच्छा 24 ले लूँ क्या, 24 हाँ 24 से आपका काम हो जाएगा। तो जिन जिन से आपका काम हो जाए ऐसे ऐसे आपको नंबर इसको से पकड़ने। तो अब देखिए आई होप समझ में आ रहा होगा, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ है ना, 6 का अगर खत्म हुआ तो 56, क्या 56 ले सकता हूँ, 56 है ना, चलो मैं ऐसे लेता हूँ, 56 एक नंबर हो सकता है, अगर 56 पर खत्म हो 56 तो बाकी 4 नंबर बचते हैं मेरे पास, हाँ ये चलेगा भाई, है ना, 56 पे खत्म हो रहा है, 56 इज डिविजिबल बाय 4 है ना, बिल्कुल सही है, हमारा 56 बैठ गया। 56 के बाद एक 64 बैठाते हैं, है ना, 64 बैठा देंगे, देखिए 64 पे अगर खत्म होगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज 64 इज डिविजिबल। सो 56 हो गया, 64 हो गया, और कुछ हो सकते हैं, 56 हो रहा है, 64 हो रहा है, 62 नहीं होगा, 62 नहीं होगा, 96 होगा क्या, 96 पर भी खत्म हो सकता है, बाकी हम ऐसे दे देंगे 4 डिजिट, 96 सही है,
94 नहीं बैठेगा, 92 बैठेगा जी, 92 भी बैठ जाएगा, 92 भी बैठ जाएगा, ठीक है ओके। तो 9 से शुरू होने वाला मैंने देख लिया, 6 से शुरू होने वाला 64 बैठा, 5 से शुरू होने वाला 52 बैठेगा क्या जी, 52 भी बैठ जाएगा, 52 भी बैठ जाएगा, चेक करिए है ना। देखो नंबर अगर 56 पे खत्म हुआ तो 4 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा ना, अभी अभी बताया मैंने आपको। नंबर 64 पे खत्म होगा तो भी काम हो जाएगा, 96 पे भी काम होगा, 92 पे भी काम होगा, 52 पे भी काम होगा, है ना। और कोई अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? 9 से मैंने बना दिया, 5 से बना दिया, 6 से 64, 2 से 24 हो सकता है ओके। और कोई अरेंजमेंट? 9 से हो गया, 6 से हो गया, 5 से हो गया, यस यही पॉसिबल है। इसके अलावा और कोई, इसके अलावा और कोई ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन मेरे को दिख नहीं रहा है दो नंबर्स का जो वो खत्म कर दे और वो 4 के टेबल में आ जाए, है ना। ये मैंने कैसे देखा, आप ना एक एक करके पकड़ा करो ना। पहले अगर आप 6 को पकड़ रहे हो, 6 को अगर आप पकड़ रहे हो तो 65 69 64 62 है ना, ऐसे देखो 65 69 64 62 है ना। इन चारों में से कौन हुआ है 4 के टेबल में? 64, तो देखो 64 फिर है ना। अब आप सोचो 5 से, तो 5 से क्या होगा, 56 59 54 52 है ना। तो कौन कौन हो रहा है, तो इसमें 56 भी हो रहा है एंड 52 भी हो रहा है, तो लिखा हुआ है 56 52। फिर आप 9 को पकड़ो, 96 95 94 92, तो 96 हो रहा है, 92 हो रहा है, 9 का काम हो गया। अब 4 को पकड़ो, 46 45 49 42, कुछ नहीं हो रहा है ना, तो 46 होता है ना, 45 होता है ना, 49 होता है ना, 42 होता है। फिर 2 को, 26 25 29 24, तो ये हो गया आपका 24 है ना, 24 आ रहा है ना, लिखा नहीं है हमने, हाँ तो 24 भी आएगा, 24 चेक कर लो है ना, 24 भी तो होगा ना। देखो ना, 26 25 29 29 24, 24 इज डिविजिबल बाय 4 है ना, तो ये हो गया। तो 659942 को यूज करके ये मेरे पास ऐसे केसेस बन रहे हैं जो लास्ट टू डिजिट इस तरीके से खत्म हो सकती है। चेक करिए, लास्ट टू डिजिट 56 पे भी खत्म हो सकता है, 64 से भी खत्म हो सकता है, 96 पे भी, 92 पे भी, 52 पे भी एंड 24 पे भी। तो अगर 56 पे खत्म हो रहा है, 56 का खत्म हो रहा है, तो बाकी कितने नंबर बचे? 4 नंबर। और इन चार नंबर्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? देखो ना, 56 हो गया, 9942 बचे 4 नंबर, तो इस जगह पे 9942 में तो कोई भी आ सकता है, तो 4 में 3 2 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो गया आपका 24। इसी तरीके से इसके लिए भी 24, इसके लिए भी 24, इसके लिए भी 24, इसके लिए भी 24, इसके लिए भी 24। अब आप बोलोगे कि यार सर ये 9 तो दो बार रिपीट हो रहा है, तो फिर मैंने, अरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको नंबर्स कितने फॉर्म होंगे यहाँ पे, वो केस नहीं करना है आपको कि जैसे ये दो बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, नहीं नहीं ये नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ ये 56 है ना। आप देखो ना, ये 6 डिजिट का वो नंबर कुछ भी हो सकता है, बस हमने को ये पता होना चाहिए कि खत्म किस पे हो रहा है, तो ही वो 4 के टेबल में डिवाइड होगा। अब वो नंबर देखो कुछ भी हो सकता है, 9965 सॉरी, ये पहला वाला नंबर बता रहा हूँ, 56 पे खत्म हो रहा है ना, तो ये बोल गया 994256, या फिर 949256, या फिर 492956 है ना, ये सारे नंबर्स। तो इस तरीके से 56 पे खत्म होने वाले 24 नंबर होंगे, 64 पे खत्म होने वाले भी 24, 96 पे खत्म होने वाले भी 24 नंबर, 92 पे खत्म होने वाले भी 24। तो टोटल कितना हुआ है, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, कितना आ जाएगा आंसर, 144 डेज है ना, या 144 आप बोल सकते हो, ऐसे टोटल नंबर्स होंगे जो किसमें आएंगे, जो 4 के टेबल में डिवाइड होंगे है ना।
चार के टेबल में डिविजिबल होने वाले छह डिजिट के कितने नंबर, 144 नंबर्स या 144 बेस, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन ये समझ आया होगा, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत ही आसान लॉजिक है, बस यहाँ पर आपको जब नंबर वाला सवाल आए ना, जब भी नंबर से डिजिट वाला सवाल आए और बोले कि डिविजिबल बाय 4 या डिविजिबल बाय 5, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। चार के टेबल में, चार के टेबल का कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे कि अंक के दो डिजिट्स उस चार के टेबल में अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर होगा। तो मैंने वो सारे अंक के दो डिजिट्स देख लिए, इन छह डिजिट्स में से वो अंक के दो डिजिट्स क्या होंगे तो चार के टेबल में डिवाइड होंगे, है ना। तो ये सब है, और बाकी पोजीशन फिक्स कर दी, तो बाकी जितनी पोजीशन चार जगह यानी चार फैक्टोरियल, ये 24 क्या है बेसिकली 4 फैक्टोरियल है, तो ये चार जगह कितने तरीकों से भरी जाएगी, चार फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल, छह बार चार फैक्टोरियल को जोड़ दोगे तो 144 आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फाइव डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स 3, 2, 3, 2, 4, 5। हाँ, तो यहाँ पर हमें फाइव डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, लेकिन हमें डिजिट्स कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है ना। क्वेश्चन अलग है, अगर जैसे मान लीजिए अगर सिर्फ ऐसा होता 3, 2, 3, 2, 5, ये मेरे पास सिर्फ 5 डिजिट ही होते, लेकिन यहाँ पे 6 दे रखे हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे 5 डिजिट ही दिए हुए होते और बोलते 5 डिजिट के कितने नंबर आप फॉर्म कर सकते हो, तो मेरा आंसर हो जाता 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो रिपीट हो रहे हैं 3 दो बार हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, इनटू 2 भी दो बार हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, तो ये मेरा आंसर हो जाता। ये मेरा आंसर तब होता जब मुझे 5 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं और मेरे पास डिजिट्स भी 5 होती थी, मतलब जितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है अवेलेबल भी उतनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, उसने बोला भाई 5 डिजिट के नंबर बना, 5 डिजिट के कितने आप अलग अलग नंबर फॉर्म कर सकते हो इन 6 डिजिट्स को यूज करके, दी हुई है 6 डिजिट्स और बनानी है हमें 5 डिजिट्स, तो यहाँ हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी, मतलब केसेस बनाने पड़ेंगे। तो केस वन है ना, तो केसेस बनाने पड़ेंगे, या आप केस वन नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा। आप है ना, बस ये देखो कि इन 3, 2, 3, 2, 4, 5 इनमें से 5 डिजिट के नंबर किन किन को यूज करके मैं बना सकता हूँ। देखो 3, 2, 3, 2, 4 को यूज कर सकता हूँ, है ना। केस टू बनाओ, केस टू क्या क्या हो सकते हैं, 3, 2, 3, 2, 5 हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। केस थ्री बनाओ, केस थ्री क्या हो सकते हैं, देखो 3, 2, 3, 2, 4 और 3, 2, 3, 2, 5, ये तो मैं ले चुका हूँ, तो अब क्या ले सकता हूँ मैं, अब मैं ले सकता हूँ 2, 3 ले लेता हूँ, 1, 2 ले लेता हूँ, 1, 4, 5 ले लेता हूँ, ये एक केस हो गया, और एक केस 4, केस 4 इस बार मैं 2, 2 ले लेता हूँ, 1, 3 ले लेता हूँ, 1, 4 ले लेता हूँ, 1, 5 ले लेता हूँ। ये चार वो केसेस हैं, यानी इन छह डिजिट्स जो दे रखी है, इन छह डिजिट्स को दे रखा है मैं, और इससे अगर 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो वो 5 डिजिट के नंबर यहाँ से भी ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, या फिर मैं बोल रहा हूँ या मतलब और, तो बीच में क्या आने वाला है, एडिशन आने वाला है सबके। अब मुझे बताओ क्या और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर, और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या 5 डिजिट की, नहीं बन रही। देखो 3, 2, 3, 2, 4 ले लिया, 3, 2, 3, 2, 5 ले लिया, है ना। तो अब मैं ना ऐसा कोई केस तो बन ही नहीं सकता जिसमें 2, 3 और 2, 2 आ जाए, 2, 3 और 2, 2 आ जाए, ये दोनों केसेस में बना चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 2, 3 लेता हूँ, तो 2, 3 ले रहा हूँ, 2, 3 ले रहा हूँ, तो मुझे 1, 2 के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, 2, 3 ले रहा हूँ तो 2, 4, 5, और अगर 2, 2 ले रहा हूँ तो 3, 4, 5, इसके अलावा और कोई केस नहीं बन सकता, है ना। तो बस ये मैंने केसेस बना दिए, ठीक है। यहाँ मैंने और इसलिए लिखा है ताकि आप बीच में एडिशन का साइन लगा दें, अब आप समझ पा रहे हैं। तो इसके कितने टोटल नंबर ऑफ बेस आ जाएंगे, कितने डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो रिपीट हो रहा है 3 दो बार रिपीट हो रहा है, 2 भी दो बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस साइन, बीच में क्या आएगा, प्लस साइन। केस टू 1, 2, 3 मतलब 3 दो बार, 2 भी दो बार, तो ये इसका भी सेम वही आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब आओ इसमें, इसमें रिपीटेड वर्ड सिर्फ तीन है, तो प्लस तीन दो बार आए तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इस पे आओ तो इसमें दो दो बार रिपीट हो रहा है तो प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन देखिए आप, जब भी आपको 5 डिजिट या 6 डिजिट या 7 डिजिट, उतने डिजिट का नंबर बनाना है और आपको ज्यादा डिजिट दे रखे हैं, मतलब यहाँ 5 डिजिट का नंबर बनाना है और यहाँ पर हमें कितने डिजिट दे रखे हैं, 6 डिजिट दे रखे हैं। और केस किसका है, केस किसका है, ये है अपना आइडेंटिकल का ही है, आइडेंटिकल देखो तीन दो बार आ रहा है, दो दो बार आ रहा है, आइडेंटिकल का केस है, तो 6 डिजिट दे रखी थी तो इसीलिए मेरे को 5 डिजिट का बनाना था, तो मैंने अलग अलग केसेस बनाए कि 5 डिजिट के नंबर कैसे कैसे बन सकते हैं। 32324 को यूज करके बन सकते हैं, 32325 को यूज करके बन सकते हैं, 33245 को यूज करके बन सकते हैं, या फिर 32245, इसके अलावा पांचवा केस नहीं बने, बीच में एडिशन, ठीक है। अब बस मामूली सी कैलकुलेशन, मामूली सी कैलकुलेशन और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, सो 5 इनटू 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 जब 2 होता है 4 से 4 कैंसिल होता है, तो 5 3 जा 15, 15 टू जा 30, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा, है ना। 5 4 3 2 1 नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 3 जा 15, 15 हां इसका आंसर 30 आ जाएगा। ये भी 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 है, तो 30 प्लस 30 प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका, ये 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 पर स्टॉप कर देंगे क्योंकि नीचे 2 मेल कर रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 60 हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी 60 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया मेरे पास, 180, है ना, 180 डिजिट्स, या सॉरी डिजिट नहीं नंबर्स, 180 नंबर्स या 180 वेव, जो भी लिखना चाहो, 180 अलग अलग नंबर्स 5 डिजिट के मैं फॉर्म कर सकता हूं इन 6 डिजिट्स का इस्तेमाल करके, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी, और इससे जो जस्ट पहला जो क्वेश्चन करवाया था मैंने डिविजिबल बाय 4 वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन देखिए आप, ये डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमेशा बस अब ये दिमाग में याद रखना कि अगर आइडेंटिकल यानी कुछ ऑब्जेक्ट सेम है, आपको उतने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और ज्यादा डिजिट दे रखे हैं, मतलब 5 डिजिट का फॉर्म करना है, दी हुई है हमारे पास 6 नंबर दे रखे हैं तो आपको इस तरीके से केसेस ब्रेक करने हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए इससे मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, या नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, कितने 4 डिजिट के नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो यूजिंग द डिजिट 67678, यानी 5 डिजिट्स दे रखी है हमें, 4 डिजिट के नंबर्स इसमें फॉर्म करना है, तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1 कि भाई मैं 4 डिजिट लेना है तो 4 कौन कौन से डिजिट ले सकता हूँ, 6767 ले सकता हूँ, है ना, बेसिकली मैंने दोनों 6 ले लिए दोनों 7 ले लिए। अब केस 2, केस 2 क्या हो सकता है, मैं 2 6 ले लेता हूँ, 1 7 ले लेता हूँ, 1 8 ले लेता हूँ, ठीक है, ये केस हो गया, ठीक है ना। पहला केस तो क्या हुआ, दोनों 6 दोनों 7, दूसरा केस दोनों 6 एक साथ 1 8, और तीसरा केस बन सकता है दोनों 7 1 6 और 1 8, क्या चौथा केस पॉसिबल है, देखिए ध्यान से, 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है इन 5 डिजिट्स को यूज करके, पहले मैंने ले लिया 6767, है ना, जिसमें 2 6 है 2 7 है, इसमें 2 6 है 1 7 है 1 8 है, इसमें 2 7 है 1 6 है 1 8 है, चौथा केस संभव है क्या, नहीं है, चौथा केस पॉसिबल ही नहीं है, है बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बस अब हमें इसके
परम्यूटेशंस है ना, अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, एक दो तीन चार, चार डिवाइडेड बाय कौन रिपीट हो रहा है, छह दो बार और सात भी दो बार, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बीच में आ जाएगा प्लस साइन, इसके लिए फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय छह दो बार रिपीट हो रहा है तो नीचे दो फैक्टोरियल, इसके लिए फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सात दो बार रिपीट हो रहा है तो दो फैक्टोरियल, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हमें आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। सो फोर फैक्टोरियल अपॉन टू, फोर इंटू थ्री हो जाएगा ये, इंटू टू फैक्टोरियल करो तो इसको, नीचे भी टू फैक्टोरियल है, इंटू टू है, टू फैक्टोरियल है, आप चाहो तो इसको चार भी लिख सकते थे, इवेंचुअली टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, टू फैक्टोरियल का वैल्यू टू होता है, फोर से जब ट्वेल्व होता है तो ये कैंसिल सिक्स दे देगा, प्लस फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, तो फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल का रोक देंगे अपॉन टू फैक्टोरियल, टू से टू कैंसिल हो जाएगा बारह आ जाएगा, इसी तरीके से ये भी बारह आ जाएगा, तो बारह प्लस बारह चौबीस, चौबीस प्लस छः थर्टी, तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्टी डेज, ठीक है। या थर्टी फोर डिजिट के हम तीस नंबर, चार डिजिट के हम इन डिजिट को यूज करके तीस नंबर फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग तीस नंबर आप फॉर्म कर सकते हो इन पांच डिजिट्स को यूज करके, चार डिजिट के तीस नंबर आप बना सकते हो, है ना। आई होप समझ में आया होगा, ये भी फ्यू ऑब्जेक्ट्स यानी कुछ ऑब्जेक्ट सेम थे, मतलब डिस्टिंक्ट सॉरी सेम आइडेंटिकल परम्यूटेशन का सवाल था, इसमें आप देख ही सकते हो छः दो बार, सात दो बार, आठ, है ना, पांच डिजिट बनाकर के चार तो बनाए मैंने केसेस, चार डिजिट कैसे कैसे बन सकती है, चार डिजिट ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है और ऐसे बन सकती है, इसके अलावा और कोई केस नहीं था, तो अगर ऐसे बनेगी तो इसमें मैंने देख लिया छः दो बार और सात दो बार, तो यानी इसके ऐसे अरेंजमेंट, इसके इस तरीके से अरेंजमेंट, इसके इस तरीके से, बीच में एडिशन और हमारा आंसर थर्टी। सो आई होप आपको अब ये टॉपिक क्या था, परम्यूटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल और सेम, अब मैं समझता हूँ मैंने इस पर आपको काफ़ी 12-14 क्वेश्चंस से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। सो अब इसकी बात हम खत्म करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा परम्यूटेशंस में, अब आएगा सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशंस जो कि हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिफरेंट सब टॉपिक ऑफ परम्यूटेशंस दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। सो आई होप आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर समझ में आया होगा और परम्यूटेशंस पे जितने भी, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए होंगे लेक्चर वन से लेकर आज तक के लेक्चर पर, तो आपको कोई एज सच प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में या किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।